Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव ओम सनौ आवतु सनौ भूनातु सेवीर्यं करवा ते जतिनौ अधीतमस्तु मा विद्विषाः हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ब्रह्मविद्या गीता भगवती की जय भगवत गीते कर्तव्य किम अन्यै चास्त विस्तारै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनीत्रिता जय भगवत गीते जय भगवत गीते जय भगवत गीते प्रभागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली कल्याणकामिनी मेरी माताओं द्वितीय बुजुर्ग और मेरे भाइयों अब आपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी को बड़े आदरवान सत्कार एवं विशेष एकाग्रता पूर्वक श्रवण करने का प्रयास कीजिए। अपने इष्ट भगवान जी की सजनों और देवियों अपरंपार अथा एवं अकथनीय कृपा के फल स्वरूप इन दिनों हम इस सायंकालीन शुभ संगत में एक दिव्य गौरव का अनुभव करते हुए शरण कर रहे गए अपने ही कल्याणार्थ क्षेत्र क्षेत्र के विभाग जो नामी 13वां अध्याय याद रहे ये दो अध्याय अपने ही किस्म के आप है भक्ति से ओतप्रोत 12वां अध्याय है जबकि ज्ञान से ओतप्रोत 13वां अध्याय है मिट्टी ख्वार है। ये कहावत किसी ने शायद भगवान से प्रेरणा लेके बनाई है ये लोकोक्ति हमारे यहाँ प्रचलित है। मैं यहाँ कहूंगा मुझे हरियाणा का पता नहीं ना मैं हरियाणवी हूँ मुझे पंजाब का पता नहीं बरसों गुजर गए एक जमाना हो गया पंजाब से पीठ दिए हुए मुझे अपने इस वातावरण का पता है। बड़ी अच्छी कहावत हमारे इस वातावरण में प्रचलित है वागी आवे वक्तु अग्गे और मेरी बेटी खावे या रन खावे मरतु अग्गे और इंसान होके ज्ञान तू भगे इतनों दियो बल्दी दे अग्गे यानी इन तीनों के अगर लोहड़ी जला दें और उसके बाद रेबड़ियों और अपने मूंगफलियों का प्रसाद लेके खा ले तो पुण्य है पाप तो कुछ माना नहीं जाएगा। गुड तो लीजिएगा इंसान के लिए ज्ञान अनिवार्य है इंसान के लिए ज्ञान जरूरी ना कहा करो अनिवार्य है इट इज मोस्ट एसेंशियल रादर इनएविटेबल इसके बिना इंसान की मिट्टी पलीता है इसके बिना इंसान नहीं समझता कि मेरे लिए उचित क्या है अनुचित क्या है। तो भक्ति के बिना भी इंसान का जीवन नीरस है और ज्ञान के बिना इंसान का जीवन आंखें होते हुए भी अंधकार से परिपूर्ण है क्योंकि ये आंखें तो चरम चक्षु है ये तो बताती है कि इधर से चल इधर से चल इधर से चल आगे खाई आ गई आगे पानी आ गया आगे नाग देवता जो अपना फन फैला के बैठी है जरा बच के चल जरा हट के चल जरा बच के चल ये तो ये आंखें बताती है कि जरा बच के चल जरा हट के चल लेकिन ज्ञान है हमारे अंदर की आंखें जिन्हें भगवान जी ने 15वें अध्याय में ज्ञान चक्षु कहा भीतरी आंखें जो बताती है ये उचित है ये अनुचित है ये तो बताती है जरा बच के चल जरा हट के चल और ज्ञान बताता है ये कार्य करना चाहिए ये कदापि नहीं करना चाहिए ये करने योग्य है ये अयोग्य है ये रवा है ये
ना रवा है, ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर है, इसके बिना इंसान किसी काम का नहीं। बल्कि इंसान को इंसान कहना भी हाथ पाप है। जिस इंसान के पल्ले ज्ञान नहीं उसे इंसान नहीं कहा जा सकता। वो बाशकल इंसान है पर बाअमल हैवान है। बाशकल इंसान अर्थात आकृति में तो वो मानव है पर प्रकृति में मानव नहीं। दोनों शब्दों को जुमले में बैठी, एक हाथ पे लिखो आकृति, एक हाथ पे लिखो प्रकृति। हाँ, आकृति पे मारा थप्पड़ जोर का और प्रकृति को चूम लो। आकृति अगर इंसान की हुई तो क्या हुआ, प्रकृति इंसान की होनी चाहिए। आकृति यानी अपीयरेंस इंसान के है, लेकर प्रकृति माई नेचर इज दट मैन, माई नेचर इज दट मैन। अर्थात उसमें मैनशिप नहीं है, उसमें मेंटेलिटी नहीं है, उसमें पर्सनैलिटी नहीं है, उसमें मैनशिप नहीं है, मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है। तो फिर वो क्या होगा, हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, बिना पूंछ और सींग के वो बिल्कुल दानव है मानव नहीं है, दानव है मानव नहीं है। शाबाश, मजा नहीं आता। अभी एक मेरे बच्चा कह रहा था, मेरे बच्चे ही मेरे गुरु हैं, बाबा रेबड़ियां तो आपने पता मूंगफलियां तो दी हैं पर रेबड़ियां नहीं दोगे तो मूंगफलियों के खाने का स्वाद नहीं आता। हाय मेरे बाबा, और बहुत अच्छे। दूसरा बच्चा कह रहा था, बाबा या तो ये जो पड़ियां ना बांट दे या हमें तरसा नहीं यहां से उठा ले। वेरी गुड। अब बच्चे ये बोल सकती हैं, ये भगवान बोलता कि रेबड़ियां बिना पतासे के स्वाद नहीं आता। तो मेरे मन में आया प्रसंग भगवान चला रही है, जिंदगी बिना ज्ञान के स्वाद नहीं आता, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी। कुछ मजा ना हुआ जिंदगी का अगर इसमें ज्ञान ना हो तो, उसमें पहचान ना हो तो, अगर उसमें सूझबूझ ना हो तो इंसान को किसी काम का ना हुआ। तो आइए, भगवान की विशेष कृपा है जो हमें इंसानियत का जाम पिला रहे हैं, जो हमें मानवता एज ए वरदान भेंट में दे रहे हैं। यह भगवान की विशेष कृपा है मेरे और आप पर। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। तो ज्ञान, मैं सीधी बात कहूंगा, आज जड़ा कणा ज्ञानी बना फिरता है, जड़ा कणा कड़ा जड़ा जड़ा कणा। क्या इतने ज्ञानी हो गए हैं, क्या इतने सचमुच ज्ञानी हैं? हमारे हनुमान जी को तो चाहिए थी एक संजीवनी बूटी, पर जब वहां पर पहुंचे तो सारी जगमगा रही है। तो क्या ये सारी संजीवनी बूटी है? समझ गए, दाल में काला काला भी है और दाल के रंग जैसे रोड भी है। बाजार की दालों को जरा ध्यान से बनाया करो, ऐनक चढ़ा लो, हाँ, और ध्यान से निकाला करो। मेरे जैसे तो जरा दाल खाएं और रोड आ जाए तो सारी दाल को सीमा के बाहर निकाल देते हैं। कहीं से ना खाना अच्छा, नमक से खा लेंगे, कड़क कड़क है, चल ग्लानी आज छोड़ दे भरे। तो जिंदगी भी क्या रोड़ों वाली जिंदगी, कठोर वाली जिंदगी, बैरियर और एवरी स्टेप, देखो जीवन का मजा ना आया। तो आइएगा इस बात को गौर ले ले। महाराज जी ने इसलिए कहा है, ज्ञानी ने तो मैंने कहा ना, जैसे वहां पर हर नजर आती थी क्या जो चमकती है, वो तो रावण का धोखा था, रावण ने ऐसा कर दिया था कि इसे समझ ना आए। लेकर हनुमान जी ने कहा चलो परे, समय थोड़ा गुजरता, हाँ इसमें कोई ना कोई संजीवनी है ही, सारा पहाड़ी भगवान का नाम लिया और उठा लिया, चल ले चले है तेरे नाम पर, उड़ेंगे तेरे नाम पर और आ जाएंगे काम तेरे नाम पर। वाह क्या कहने, ऐसा खट्टी मीठी चटनी वाला जीवन, खट्टी मीठी चटनी वाला जीवन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन ज्ञान क्या, लेकिन आज हर जरा कर ज्ञानी। तो भगवान ने इस शंका का भी समाधान कर दिया, क्या जो असली है अर्जुन, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है। मेरा सिर मुंडा हुआ है, गीता जहां रखो वही फिक्स हो जाती है, शायद आपके ना हो सके। जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। महाराज जी ने इसको कितना सुंदर कहा है, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कहा, मुझे यही सुनाना बताना है और आपकी रग रग में देकर हंसते मुस्कुराते हुए भगवान की जात में चला जाना। बस मुझे यही बताना है, असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। ज्ञान का मतलब भगवान का फरमान, ज्ञान का मतलब भगवान की श्रीमुख से जो निकला वही जो मैंने अभी कहा, गीता सु गीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तर, या स्वयं पद्मनाभक से मुख पद्मात्मिनी सीता। जो श्रीमुख से निकली है, जो हमारे कल्याण के लिए महाराज जी ने अपने श्रीमुख से निकाली, अपने श्री मुख मुख कमल से निकली है, वही हमारा ज्ञान है। और जो बात इसके साथ मेल नहीं खाती, टैली नहीं करती, भगवान ने स्पष्ट कहा है, वो अज्ञान है, भले उसका नाम ज्ञान।
जैसे नाम क्या हो ब्रह्मा, हाँ जरा इधर आना, केवे आवा, क्यों क्यों समझी कोई, इधर आने को उधर आना, हाँ ये मैंने आवाज दी है नूर भरी जरा इधर आ, ले मैं तो अन्नी अखा दी मारी किस तरह, तो ना नूर भरी, ये किसने ना रखा आई, मां मेरी कमली ने, आंखें है नहीं, दोनों बाजार बंद है, यानी एवरीडे संडे, एवरीडे संडे बाजारों में तो संडे कम्स वंस अ वीक, और यहाँ एवरीडे संडे जिसकी दोनों आंखें बंद है, हर रोज उसके लिए एतवार है, हर रोज रविवार है, अब नाम नूर भरी और नूर हो नहीं, इसी तरह नाम इंसान और ज्ञान हो नहीं तो बात बनती नहीं है। तो भगवान ने बड़ा कमाल कर दिया, बहुत गजब ढा दिया, ये समझा दिया कि जो ये ज्ञान है, हाँ यही है ज्ञान, क्योंकि चारों वेदों में जो कुछ आया है उसकी गीता कुंजी है, उसकी गीता समझना याद रखना मेरे बच्चे, महाराज ने स्पष्ट गीता जी में कहा है यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सामवेद, ये तीनों मैं हूं, हर वेद का ओंकार मैं हूं, जो कुछ भी इसमें है ये सारे वेदों का सार है। जैसे हम लोग पढ़ते रहते मास्टर जी को बार बार तंग ना करना या ट्यूशन रखनी पड़े तो कुंजियां ले लेते थे, हर सब्जेक्ट की कुंजी मिलती थी, हर विषय की कुंजी मिलती थी, जिसे हम कहते थे नोट या खुलासा, उर्दू में क्या बोलते थे खुलासा, क्या कहने, आहा 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 खुलासा, अगर पकड़ा जाए तो हाँ दोनों नु आवे हासा, किन्नु मास्टर जी नु भी और पढ़ने वाले शिगिर्द को भी, पकड़ा गया खुलासा तो दोनों नु आगे हासा, और खुलासा को रखी फिरना है, मास्टर जी आपको तंग ना करें, बार बार इसलिए जो ना सवाल समझ आए तो वो बस इसमें देख लिया। तो ये गीता क्या है, चारों वेदों का खुलासा, चारों वेदों का नोट, चारों वेदों की कुंजी, बल्कि मैं ये कह दूं दो कदम आगे बढ़कर, हाँ ये मास्टर की है, धर्म की गीता, धर्म की मास्टर की है, गीता धर्म की मास्टर की, गीता धर्म की मास्टर की है। बड़े ध्यान से खोलो, शिशुर में जब भवन में ये कमरे बने, हाँ तो कई कमरे अलावा अपने जहां से ताले बनते हैं अलीगढ़ से, हमारे सेक्रेटरी जी आया करते थे, उन्होंने हमें ताले बनवा के दिए, श्री पन्नालाल जी जिंदाबाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वो कमेटी के बना के लाए, हमारे भी बनवा के लाए ताले, पता नहीं कितने दर्जन, दो दर्जन, ढाई दर्जन, पांच ताले बना के लाए, तो सब लग जाए। अब मुझे अगर जिस कमरे में जाना, इतना बड़ा गुच्छा क्या, साथ ही साथ मेरे लिए वो मास्टर की बना के लाए, कि इन दो दर्जनों या तीन दर्जनों ताले में आपके पास चाबी स्पेशल, जिस ताले में आप चाबी लगाएंगे वो खुल जाएगा, जिंदाबाद। इतना बड़ा गुच्छा कौन उठाए, इतना बड़ा कौन गुच्छा उठाता है, वो तो हर एक के पास अलॉट है, उनके पास चाबियां हैं, लेकिन मेरे पास मास्टर की है, तो मास्टर की जिसमें डाला और खुल गया, शाबाश। गीता भी धर्म की मास्टर की है, हमें जो असलियत का ज्ञान बता देती है, असली जो बात है वो रियलिटी बता देती है। और भगवान ने खुद भुजा बुलंद करके सारे जय में कह दिया, क्या जो असली है, क्षमा करना, हकीकत यही गए, हकीकत सत, सदाकत यही गए, सदाकत सत, स्पष्ट कह दिया। सवेरे जब आप कीर्तन करती है, पता नहीं मेरा शरीर स्टेज पे कैसे बैठा रहता है, मैं अपनी जगह बड़ा हैरान होता हूँ कि शरीर को उड़ जाना चाहिए और महाराज जी में समा जाना चाहिए, कब, जब ये कीर्तन बोलती है, मेरा मन बलियों चलता, बहुत मैं बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ, पर मैं करूँ क्या, ये कीर्तन मुझे उड़ाना चाहता, मुझे पर लगे परवानों के, हाय पर लगते तो है पर फड़फड़ा के रह जाते हैं, तो भगवान ने आपकी सेवा करवानी है, बहुत ही मुश्किल से अपनी आप को पकड़ता हूँ, कब, जैसे इश्क मजाजी वाले जिनको ही शी के साथ बहुत प्यार होता है, ही को शी, शी को ही के साथ, हाँ बेचारी लड़की बहुत छिपाती है, बहुत छिपाते हैं, छिपाने की बड़ी कोशिश करती है, आंसू को पी जाती है और भी बहुत कुछ कर लेती है, गला रुंध जाता है तो भी बहुत कुछ कर लेती है, हाँ और अपने आप में जबर भी कर जाती है, अपने कलेजे को थाम के भी रह जाती है, क्या, और साथ कुछ लाती है तो एकाथ में कह भी बैठती है, क्या, आहे ना भरी शिकवे ना की, हाय इस कवाली ने मेरी भवीर घुमा के रख दी है, आहे ना भरी शिकवे ना किए, कुछ भी ना जवाब से काम लिया, इस पर भी मोहब्बत छिप ना सकी, जब तेरा किसी ने ना, बहुत ही मुश्किल से आदमी डरता है, आहे ना भरी शिकवे ना किए, कुछ भी ना जवाब से काम लिया, इस पर भी मोहब्बत छिप ना सकी, जब तेरा किसी ने ना लिया, मेरा हाल भी बन जाता है, जब सवेरे कीर्तन करती है बड़ी मुश्किल से रोकता हूं, क्या, गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी, बड़ा मीठा कीर्तन है, अगर सुनना हो तो कभी तशरीफ लाइए, स्नान करके आइए, बाबा स्नान निकल जाएगी जान, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, प्रातः काल स्नान किया निकल गई जिंद, भजो राधे गोविंद, समझिए आपकी, ये तो पता नहीं आते ना, ये
ये तो आपकी इच्छा पर सिरे स्नान करके आना होता है, इसलिए मैं आपको आमतौर पर दावत नहीं देता, क्योंकि आपका कीर्तन तो ये है भजो राधे गोविंद भजो राधो गोविंद, क्या सवेरे सवेरे स्नान किया निकल गई जिंद भजो राधे गोविंद, आहा जिंद ऐसे नहीं निकलती, अगर सवेरे सवेरे स्नान करके आगो खिला दोगी गर्मा गर्म पिंड भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, ऐसी बात नहीं है। तो बड़ा गजब का कीर्तन चलता है, क्या बड़ा कीर्तन देवराज नमस्कार। तो अपने गीता नगरी में नए हरिजन मुबारक, इनका नाम श्री देवराज जी है। तो खैर मैं गुजारिश किया चाहता हूँ, तो मैं कह रहा था कि जो जब जीव गहराई में उतर जाता है, जब जीव इस बात को पकड़ लेता है, क्या गीता है ईमान मेरा शाम मेरी जिंदगी, उनको हरदम याद करना यही हमारी बंदगी। कवन तुम्हारा जी बता रहे थे कि ये ऐसी चोटी का ज्ञान जो इंसान को बनाता है इंसान, नादान को बनाता है ज्ञानवान, नादान को ज्ञानवान, इंसान को देवता बना देता है। उस ज्ञान हमारे लिए और आपके लिए अनिवार्य है, इस ज्ञान को बड़ा अनिवार्य है। अर्जुन पर तो भगवान की विशेष कृपा थी, क्योंकि महाराज जी की बुआ के लड़के जो थे, पर कोई बात नहीं हमारा भी खास रिश्ता है। महाराज जी ने कहा है सिर्फ कौन तैये या पार्थ पार्थ कहके भगवान नहीं अघाए, और उधर वो भी नहीं अघाया, जान बुझ के पंगे लेता रहा अर्जुन। अगर ये शब्द लगा रहा हूँ तो आप मुझे क्षमा करने की कोशिश न कीजिए, देवी आप मुझे क्षमा करने का रत्ती भी कोशिश पक्षार्थ न कीजिएगा। जान बुझ के अर्जुन पंगे लेता रहा है, और जब भगवान ने इशारा किया समझ गए, जानी जानते अर्जुन क्या मजाक है, बात बात में प्रेशर, महाराज जी पर मैं क्या करूँ, इसमें कसूरवार आम है, यू आर टू बी ब्लेम नॉट माई सेल्फ। अरे मैं ब्लेम कर, मैं कसूरवार हूँ, तो महाराज आप कसूरवार है, कैसे मैं क्या करूँ, तुम बार बार प्रेशर करती हो, अब मैं जान गया हूँ तुम जान के पंगे ले रहे हो, ए महाराज इसमें कसूरवार आप है। अर्जुन कह रहा भगवान को कसूरवार आप है, क्यों ये बातें जो अमृत सिंह है आपकी तबीयत नहीं शेर होती मेरी, वाह वाह, क्योंकि दिल करता भगवान बोले, हाँ भगवान बोले और अंदर की गुंडियां खोले, हमारे अंदर के ताले खोले, शाबाश वाह। जब भगवान कृष्ण को एक गोपी ने कहा चल तो सही, मैं तेरी माँ को शिकायत करती हूँ, तो उन्हें बहुत तंग कर मारा, हमने रोज पानी भरने आना पनगट में, और पनगट में रोज आएगी और कभी हमारी सुराही नहीं तो कभी हमारी घड़ा नहीं, और कभी अब तो मैं तेरी चल, अच्छा तू आ शिकायत कर, अगर तूने शिकायत किया तेरे घर के बाहर ताले लगे रहेंगे और घर के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, आगे कदम आगे रह गया पिछड़ा पिछड़ा रह गया, घाघरा वही का वही चक्कर काटता हुआ रह गया। गोपियां घाघरे पहनती थी ना, वो घाघरा अपने रोटेशन में ही रह गया, क्या कहा कहना क्या कहा, ताले लगे रहेंगे, हाँ अंदर ना गैया ना बछड़ा ना कोई सामान, अंदर जाओगे तो बस घर नहीं नजर आएगा शमशान नजर आएगा, लगा शिकायत कहना क्षमा करो, ताले लगे रहेंगे और अंदर कुछ नहीं रहेगा, ये भी एक खास भगवान जी की क्या है दंड है। और इधर क्या है, इधर अर्जुन कह रहा प्रभु मैं अंदर के देखता हूँ ताले खुले पड़े हैं, हाँ गुंडिया खुल जाती है, कब जब मैं आपके श्रीमुख से ये ज्ञान सुनता, मुझे क्षमा कर दाता, ये इतना चोटी का ज्ञान और रस भरा ज्ञान है, आप भी कभी कभी प्रेम के अश्रु बहाया करें, आप भी कभी कभी एक आत्म बैठ कर प्रेम, जब घर वाले बहुत सातों आकाश पढ़े गहरी नींद में हो, तब प्रेम से भगवान से प्रेम अश्रु बहाते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा करें, ये बातें जो अमृत सी है आपकी तबीयत नहीं शेर होती मेरी, या कभी क्या करूं दाता मैं मजबूर हूं, आप आनंद कंद शाम सुंदर भगवान हैं और आपकी श्रीमुख से निकला है वो अमृत को भी लज्जाने वाली वाणी है, मैं अपनी जगह सच्चा हूँ प्रभु, मैं अल्पज्ञ हूँ, अब आप सर्वज्ञ हैं, आप जो कुछ सुनाती हैं और हमारा तो कल्याण ही कल्याण है, हमारी तो बेहतरी बेहतरी है। ये 13वां अध्याय सजनों और देवियों ज्ञान से भरपूर यानी असली सत्ता के बताने की पहचान से भरपूर है। ज्ञान का मतलब क्या, जो मुझे अपनी पहचान करा दे, जो मेरे सामने है प्रकृति इसकी पहचान करवा दे, मुझे और प्रकृति को रचने वाले भगवान की पहचान करवा दे, ना केवल पहचान करवा दे बल्कि रचने वालों को मेरे नेत्रों के सामने रख दे, अभी नहीं निर्विकल्प समाधि में अनुभव करवा दे, उसको कहती है ज्ञान हाय, उसको कहती है ज्ञान, कैसा प्रोक्ष और अप्रोक्ष ज्ञान, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नॉलेज, हा ज्ञान विज्ञान गुड, प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, नॉलेज दो प्रकार का होता है, क्या प्रोक्ष और अप्रोक्ष, जो कुछ मैं दे रहा हूं ये प्रोक्ष है
आप किसी को विचार करते हुए अंतर निर्मल करके जब निर्विकल्प समाधि में वृत्ति चढ़ जाती है तो वो अप्रोक्ष ज्ञान अर्थात दैट इज दैट नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ ये नॉलेज है। और जब हम समाधि में बैठ जाती है वृत्ति को पवित्र करके दैट इज विजडम। विजडम आज तक कोई भी ऋषि नहीं दे सका किसी को। विजडम जीव खुद ऑब्टेन अटेन करता है। ज्ञान हम अनेकों ऋषियों महर्षियों और उच्च कोटि के सतगुरु देव से ले सकते हैं। ज्ञान तो लिया जा सकता है पर विजडम अनुभव होता है। हाँ वो ज्ञान की बदौलत किसी के घर में दही नहीं ली जा सकती, खटियाई ली जा सकती है। ए कुशल्या हाँ जामन है तेरे घर में जामन? हाँ आज दूध जमाना है। बच्चों का बाप कहते हैं सवेरे ना हाँ साग वाली रोटी दही के साथ खाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं जामन तो है, तो जामुन तो घर घर मिल सकता है, दही नहीं। दही तो दूध हमें जमाना पड़ता है और दही का मुंह देखना पड़ता है। इस तरह चोटी का ज्ञान सतगुरु देव से जामुन के तौर पर लिया जा सकता, लेकिन इसको लेके अंतःकरण में रख के हाँ जमाना पड़ता है। कैसे जमाना पड़ता है? ध्यान में बैठकर। कैसे ध्यान होता है? निगाहे न भटके इधर और उधर। तो क्या क्या वो 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 तो लर्जे कहा शम्मा रोशन की लो। ये इस तरह वृत्ति को बिल्कुल एक और कर देना पड़ता, बिल्कुल हवा की ना हो मौत। कभी ना भूलना ये दृष्टांत। हवा की समाधि किसे कहती है? जैसे ये दृष्टांत है, जब वायु के झोंके ना आ रही हो और दीपक की लौ लर्ज ना रही हो और बिल्कुल सीधी जल रही हो और पूरी रोशनी हो रही हो, ये दीपक की लौ है। यह यू यू ना हो, बिल्कुल सीधी हो। यह यू यू तब नहीं होगी जबकि वायु के झोंके इसे स्पर्श न करे। वायु को झोंके तब नहीं आएंगे जब खिड़कियां दरवाजे और रोशनदान बंद हुए पड़े हो। तब वायु तो बाहर चलेगी लेकिन आएगी नहीं, चुका आपने तीनों साधन बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दी, ऊपर का रोशनदान बंद कर दिए। तुम्हारा दृष्टांत कैसे दिया है? हवा की ना हो मौज जुम्बा की रहो तो लर्जे कहां शम्मा रोशन की लो। यू ही होगा योगी को हासिल समात। हाँ क्या 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 आए जो ख्याल उसके वश में तो मन महवे जात। यह चोटी की समाधि जब निर्विकल्प नहीं होता, कोई नहीं संकल्प विकल्प आता ना, इधर का ना उधर का ना यहाँ का ना वहां का, तब मन स्टैंड स्टिल। इसे बोलती है स्टेबलाइज्ड माइंड, स्टेडफास्ट माइंड। स्टेबलाइज्ड अब मन स्टेबलाइज कर गया, अब मन अपने स्वरूप में तल्लीन हो गया और जीव ने अनुभव किया, जीव ने अपना कल्याण कर लिया, वो समस्त इसे बोलते हैं विजडम। इसे बोलते हैं विज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान की जामन तो ले लिया गया लेकिन विजडम को हमने खुद प्राप्त किया। समझी मेरी बेटी और मेरी कल्याण कामनी मैया, जामन हम ले सकते हैं जहां मर्जी, बड़े प्यार से मुंह में जरा प्यार होना चाहिए। साधना की अम्मा मैं तो कभी भी नहीं आती थी पर आप मजबूर होके आई हूँ, क्या तेरे पास जामन है? और जितना मर्जी ले ले, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे घर में रोज ही दूध जमा जाता है। वेरी गुड। तो हम इसी तरह जामन किसी भी सतगुरु देव से ले सकते हैं। हाँ लेकिन आगे अभ्यास खुद करना पड़ेगा, दूध को खुद जामन देना पड़ेगा और फिर दूध को जमाना पड़ेगा और फिर उसमें मथनी डालनी पड़ेगी और झुम झुम ताती आहा और खुद महाराज जी का नाम लेते हुए बुलाना पड़ेगा और माखन के दर्शन करने पड़ेंगे। इसी जीव को खुद अभ्यास करना होता, उसके बाद जामन मिल जाना चाहिए, उसके बाद मन में लगन हो। जामन मिल जाना चाहिए, मन में लगन हो। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जाचा वारा, पर चा जरा गर्मा गर्म होनी चाहिए। मैं चाह पीने वाली नहीं कह रहा है अम्मा, हे मेरी ग्रेजुएट बेटी, चाह का मतलब चाहना, लालसा। आ लालसा उत्कंठा में बदले, उत्कंठा व्याकुलता में परिवर्तित हो जाए, देन इज पॉसिबल वी बी एबल टू एबल फॉर दैट विजडम, डिवाइन विजडम। जब मन में ऐसी आकांक्षा आ जानी चाहिए, भगवान कृपा कर रहे हैं, भगवान ये भी कृपा करेंगे, इसलिए कभी कभी कह भी दिया करो, आखिर वो हमारे परम पिता है और उनका ज्ञान मेरा और आपका बर्थ राइट है। जैसे पिता जिस शरीर ने हमें पैदा किया वो पिताजी, पिताजी की साझी दादा हमारा बर्थ राइट, कचहरी नहीं जाना पड़ता, ऑटोमैटिक काला आपको मिल जाती है। अब तो बच्चियों गवर्नमेंट ने कमाल कर दिया, हाँ आप भी लेना चाहो तो भाई से डट के ले सकती हो, आप भी ले चाहो पिताजी की दाद तो आपको मिल सकती है। हाँ वो आपकी शराफत है कि आप ना ले वो और बात है, पर अगर लेना चाहे तो आपको मिल सकती है फटाफट, फटाफट मिल सकती है। कमाल कमाल क्या वाह, बड़ी जल्दी मिल सकता है अगर अगर लेना चाहे तो, लड़कियों को मिल जाती है, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। तो वो भी बर्थराइट है परमपिता की जिदाद, परमपिता के पास क्या है? चोटी का ज्ञान, जिसकी बिना हम है नादान।
उनके पास ज्ञान जिसके बिना हम नादान, तो रूह के क्यों ना कह दिया करो कि हमारा बर्थ राइट है। उन्होंने खुद कहा है मैं सारे जहां का गु माता पिता मैं दादा उन सबका, मैंने भगवान को बड़ा डिस्टर्ब किया है, मैं क्या करूं। जितना मैंने डिस्टर्ब किया शायद हरियाणा में किसी रब ने प्यारे ने इतना रब को डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने बहुत डिस्टर्ब किया पर बड़ी कृपा भगवान की कि भगवान ने इसको डिस्टर्बेंस नहीं समझा, और क्या समझा, इसे अपने प्यार से मेरी डिवोशन समझा, मेरा लाड समझा, मेरा प्यार समझा। ये तो समझ समझ में अंतर है ना, समझ समझ में अंतर है। वाह वही बाजार में मेरे पुत्र, हाँ कोई लड़की आपको गाली दे दे बर्दाश्त होगा, मैं तो कभी बर्दाश्त करूं, और मैं तो घूर कर देखूं और शंकर की तरह तीसरी आंख निकाल के भस्म कर। और यही गालियां जब शादी के वक्त सालियां देती हैं तब तब बात कुछ और है, कोई बात नहीं, वो सब गालियां होगी तो गालियां थोड़ी होती हैं, वो तो सिठनियां होती, कोई बात नहीं। तो उधो मनमाने की बात, बाजार में खड़े होके गाली दे तो मारू मैं लात, और वही अगर सालियां बन के मुझे दर्जनों गालियां दे तो समझू मैं क्या वरदान, ना कि समझू मैं शाप। है कोई बात नहीं, ये तो चलता ही है। उधो मनमाने की बात, ये मनमाने की बात है मेरी बेटियों। वाह 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 क्या कहनी। हाँ तो भगवान के उनकी कृपा, तो उन्होंने मेरी इस डिस्टर्बेंस को डिस्टर्बेंस नहीं कहा, उसको प्यार कह दिया। हाँ इसलिए मैं कहता हूं अपने प्रेरणा के बिना पर आप अपने भगवान से कभी ना कभी कह दिया करो तेरी एक नजर की बात है, लेकिन इस आश्रु गीले होने चाहिए। बाबा ना गीले हो तो थोक लगा लो, पर इससे तो भगवान कहेंगे परा गंदा दिल है वो मक्कार है। पर ये भी शुक्र मनाओ कि ये कहेंगे तो सही, अरे नाम ना हुआ तो क्या बदनाम ना होंगे, किसी रूप में तो अखबार में नाम आएगा ही, नामी में या बदनामी में, तो भगवान ये तो कहेंगे, ओ ये प्रभु ये तो कहेंगे। पर आप कहा जरूर करो, एक दो बार जरूर कहो, फिर ऑटोमेटिकली आंसू गिरेंगे, मन हिल जाता, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। प्रभु थोड़ी सी नजर कीजिए, पूरी नजर नासी, नजर की कोर ही कर दीजिएगा, कोर थोड़ी सी एबिट, बस भगवान का एबिट और हमारा लॉट, हमारी बात बन गई, आहो बस हमारी बात बन गई। एक बार मैंने भगवान को असाया था, प्रभु इतना बड़ा शिगार होता है हाँ, और लाइटर का थोड़ा सा ही ऊपर ग्लो होता है, लाइटर नीचे बटन दबाया पछी यू की जरा हाँ, फिर एक शोला निकला और वो जल गया, सिरगट हो या शिगार हो वो जल गया, थोड़ी सी बस यू कीजिए जरा नीचे फर और ऊपर शोला निकलता। एक सिरगट पीने वाले ने जब नमस्कार किया आशीर्वाद लेने के लिए, डब्बी भी गिरी और लाइटर भी गिरा। तो मैंने कहा भैया ये क्या डब्बी सी बड़ी, बाबा इसे लाइटर बोलते हैं, क्या बार बार दिया सलाई कौन जलाए, ये रोज का झगड़ा कौन करे। हाँ भाई इधर सिरगट लेता हूँ, बाबा करके दिखाएगा, बाबा सिरगट तो नहीं जला के दिखाऊंगा, लाइटर जला के दिखा देता हूँ। शर्म आती बाबा, शर्म लागे तेरे आगे, मैं सिरगट वाले में ऐसा नहीं अच्छा लगे। तो यू दबाया हो फौरन छोड़ा निकला, कमाल, बस अपना मन में बिठा ली के बाद आते आ, थोड़ा सा भी अगर आपका प्रेम निकल आए बस ठीक है, जीत की बात बन गई। जैसे लाइट थोड़ी सी भी शोला निकाले और सिरगट के लिए काफी है, शिगार के लिए काफी है, इससे महाराज जी की ये बिट बस हमारे लिए काफी है, हमारे लिए बहुत ही बस थोड़ा सा ही काफी है, बस 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 बस। तो आइएगा अपने महाराज जी को रिझाए और ज्ञान के क्या बने भगवान कहते हैं। हाँ अब मैं इंपॉर्टेंस बताया था, ज्ञान के बिना तो फिर कुछ भी ना इंसान हुआ, इंसान शक्ल तो हो गई, बड़े अफसोस की बात है कि धर्म भूमि भारत में भी हाँ हजारों लाखों करोड़ों इंसान मिलते हैं, पर इंसानों में ज्ञानवान हजारों में होगा कोई खाल खाल, कोई विरला ज्ञानवान। इंसान तो है पर ज्ञानवान कोई कोई है, बाशकल इंसान है पर बा अमल हैवान है। शकल को हम क्या करें, सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, सुर्ख सफेद मिट्टी की मूरत हुई तो क्या, मूरत हो और सीरत ना हो तो बात बिगड़ गई, मूरत तो हो पर अंदर की सीरत इंसानियत वाली ना हो तो नाती धोती रह गई, तो मुंह ते अंबाले शहर दी गटर दी मक्खी बह गई, जिया नहाया था जिया बतरा जी ना नहाए, पुत्रा बराबर हो गया, ओ गटर आए हाय, जिसको नाम लेना भी खाया पिया बाहर निकल आता, ऐसा है अंबाला का पॉपुलर गटर, पॉपुलर चलो नोटोरियस सही, नॉट पॉपुलर, फ्लिट बेड सेंस है।
तो इसलिए मैं इस प्रकार कह रहा हूँ भगवान से प्रार्थना की जानी चाहिए, प्रभो जब आपने हमारे इतनी कृपा की, इतनी कृपा भी और कर दीजिएगा, हमें ज्ञान दीजिए, तो भगवान कितना अधिकारी बनिए, वेरी वेरी गुड, अधिकारी बनिए। अब हम अधिकारी बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई भी आप में शिकवा ना करे बतौर, क्योंकि भगवान ने मुझे आपको आपके लिए भेजा है, आपकी बुद्धि जगा दी है, आपको अवसर दे दिया है, इतना काम दे दिया है, आने जाने के भगवान ने साधन आपके लिए बना दिए हैं, रामायण में पड़े हैं विमान, पर आंखों से देखे तो नहीं, पर या तो मेरे भगवान कृष्ण ने दो विमान भेज दिए, वो सिर्फ पड़े हैं या तो विमान आपके लिए हाजिर है, ये क्या है, वो थे क्या उस त्रेता युग के विमान, यह है 20वीं शताब्दी के विमान, हाँ, तो आपके लिए कितना साधन किया और इतना एकांत, आजकल कहां इतना एकांत मिलता है, कहां इतना एकांत, और फिर ऐसा मिला आपको भगवान का प्यारा जिसके मालिक ने क्या 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 हाँ दो पर भी काट के रख दिए हैं, आपके लिए बिठा दिया है, काग भुशंडी बना दिया मुझे, एक स्थान में एकांत में बैठे रहो, नेक जीवों को मैं भेजता रहूंगा और उनके अंदर मेरा ज्ञान देते रहो, लो महाराज जी भेज रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या पता, क्योंकि भगवान ने तो मुझे बड़ा डरा दिया, ये राज उससे मत कह जो आदित न हो, ये राज उससे मत कह जो जाहिद न हो, न उससे जो हो बदजबा नुकता ची, ना मुझे क्या पता लगे, मैं क्या जानू, मैं क्या जानू, भगवान तेरा गोरख दत्ता, भगवान उसको नहीं देना, तो मैंने कहा अच्छा पता था, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो आप ठीक समझे आप ही भेजते जाओ भगवान, चल चल के सामने और हम तुम्हारे सब, कोशिश तो अपनी ओर से तो पूरा प्रसाद कर रहा हूं, और इसी कहावत को चुनता रहता हूं, हिम्मत मर्दा मददे कन्हैया, श्याम जी उनकी बड़ी मदद करते हैं जो अपनी ओर से प्रसाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, तो देवियो भगवान कहते हैं अधिकारी बन जा, अधिकारी हाँ बस और कुछ नहीं, हमने हमारे पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि हम भरी प्रकार जानते हैं मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझी है वो पहुंचा नहीं करते, जो बहाने बनाती रहती हैं वो नहीं, आह नाथ ना जाने आंगन टेढ़ा भगवान करे हमारे पे ना लागू हो, या मास्टर जी ने एक पेपर निकाल किसी आठवीं क्लास की बात है बड़ा हंसाया, हंसाने के बाद उसको स्टूडेंट को बाहर निकाल लिया, हाय रब्बा मेरे बैतों से भो मारा, आखिर में हम दो तीन लड़के उठे और मास्टर जी के हाथों को पकड़ गए, मास्टर जी मर जाएगा ये तो, और ना मारो क्यों, उसने पेपर में जो सवाल थे जवाब ही नहीं दिया, लेकिन पेपर सारा भरा हुआ, ऐसा कभी आपने मेरे जीवन के साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है जो आपके साथ नहीं घटी, और जो आपके साथ घटी है वो हमारे साथ नहीं घटी, चलो किस्सा हो गया पूरा, हमारी बड़ी निराली घटना है, एक पेपर ने एक लड़के ने पेपर लिखा पर जो सवाल है उनके जवाब भी लिखे है, नंबरों की चाबी तेरे पास गए अगर पास कर दे तो क्या बात गए, लो ये महामंत्र लिख के सारा पेपर ही भर दिया, नंबरों की चाबी तेरे पास गए याद कर लेना खतरा कर लेना, मास्टर जी नंबरों की चाबी तेरे पास गए अगर पास कर दे तो क्या बात गए, नंबरों की चाबी तेरे पास गए अगर पास कर दे तो क्या बात गए, मेरे बेटे मुआ शाबाश पुत्रा शाबाश तू मेरा चाचा बन के आ गया और मुझे राय दे रहा है कि नंबरों की चाबी तेरे पास गए अगर पास कर दे तो क्या बात गए, आखिर में जहाँ नंबर दिए जाती है वहां मास्टर जी ने लाल स्याही से ऊपर सिर पे लिखा हुआ था ओए नालायक किताबों की चाबी तेरे पास थी अगर मेहनत करता तो क्या बात, क्या जवाब दोगे, फिर मार कुटाई शुरू होगी, किताबों की चाबी तेरे पास थी अगर मेहनत करता तो क्या बात थी, मां का पुत्र लिखने लगा चाबी तेरे नंबरों की चाबी तेरे पास गए अगर पास कर दे तो क्या फगान कर यही कोई बहाना आप में से नंबर आने, अरे मैंने अपना प्यारा तुम्हारे पास भेजा था अगर तैयारी कर लेते क्या बात थी, आप तरक्की के सारे समा पैदा कर दिए भगवान ने, इसलिए कोई शिकवा नहीं कोई गिला नहीं कोई बहाना नहीं, कोई शिकवा नहीं कोई गिला नहीं कोई बहाना नहीं, भगवान हमें कहे अधिकारी बनो, सिर झुका दिया हमने सरे तस्लीम खम है जो मिजाजी यार मी आए, सिर झुका दिया जो हमारी सोनी सरकार कह रही है, नॉट टू रीजन वॉर बट टू डू एंड डाई, एड़ी चोटी का जोर मारो भगवान की दिव्य शक्ति के नाम पर, भगवान की कृपा एवं विशेष अनुकंपा के नाम पर जोर मारो जोर मारो और जोर मारो, आखिर हम कामयाब हो जाएंगे, जरूर हमेशा चलने वाला ही गंतव्य स्थान पे पहुंचा करता है, हाँ गिरती है शाह सवार मैदान जंग में
वाह क्या कवि ने गजब ढा दिया। गिरती हैं शाह सवार जो घोड़े पे सवार हैं और मैदान में जा रहे गए और मैदान के अंदर लड़ते हैं, गिर गए तो कोई बात नहीं, जूझ रहे या बुरी तरह या वो तीर उनके हाथ में नेजा है और उन्हें किला चोट देना है, ये भी एक देखने योग्य था। मैंने अपने बचपन में सिर्फ एक बार ही देखा बसंत के मेला पर। हाँ घोड़े को हवा की तरह भगाना और हाथ में नेजा है और वो किला के आर पार कर देना, शाबाश बहुत अच्छे कमाल। अब हमारे पास कोई शिकवाने कोई गिला नहीं, बिल्कुल भी कोई कर रही है, अपने आप में जुटा रही है, लगा रही है, गिला शिकवा कुछ नहीं, हम बिल्कुल भी आप खत्म कर देंगे, जो हमारे वास चलेगा हम जुट जाएंगे लग जाएंगे। भगवान की दिव्य शक्ति है, भगवान की बड़ी कृपा है, उनकी बड़ी कृपा हमारे पास, बड़ी दया है, यथा संभव हम कोशिश करें, यथा संभव जितना भी हो सकता है जो भगवान ने शक्ति लगाई है हम उसे अपनाएंगे, हम उसे अपने जीवन में ढालेंगे। भगवान ने हमें बौद्धिक शक्ति दिया है, हमें मानसिक शक्ति दिया है, हमें अपने शारीरिक शक्ति दिया है, हमें सत्संग की शक्ति दी है, ओ कोई बताने समझाने वाला हमें एज ए ट्यूटर दे दिया है। मेरा दर्जा तो एज ए ट्यूटर है, ट्यूटर के नाते से आपकी इस धर्म शिक्षा की कमी पूरे कराने आया हूं। तो कमाल हम जुट जाए अपनी तरफ से लग जाए बस, फिर क्या है, फिर कोई बात नहीं, मारे चलते जो तो कह रहे थे वो मैं क्या गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, वो जो घुटने के बल बच्चा चल रहा वो क्या गिरेगा, हमेशा गिरते हैं शाह सवार, कोई बात नहीं, मार्ग चलते जो गिरे ता सर ना ही दोष, कह कबीर बैठा रहे ता सर करड़े कोस, चले गए अगर रुक भी गए तो फिर अगला कदम जब भी उठेगा, जितने हमने तय कर लिया उतने तो शर्तें पूरी हो गई, नाउ व्हाट नेक्स्ट, इतना तो हो ही गया ना। रात किताब पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, हाँ सवेरे जब उठे नहाए धोए और किताब फिर हाथ में आई तो जहां नींद आ गई उसके आगे पढ़ेंगे ना, अगर कहीं ग्रस्त आश्रम में कुछ गड़बड़ मत भी गई तो जब फिर होश आएगी तो उसके आगे कदम होगा ना, इतना तो हमने तय कर ही लिया वेल एंड गुड, इतना तो मेरी बेटियों ने अबूरी कर ही ली वेल एंड गुड। तो भगवान जी शर्त लगा रही है, ये मत कहिए हम तो गृहस्थी है, बाल बच्चेदार है, साडा श्रीमान साडी, ये सारी बातें थ्रो इट अवे लाइक एनीथिंग ना, करना है करना, मेरे महाराज जी कह रही है मैंने सिर्फ आंखों पे रख लिया और मैं करके दिखा दूंगी। प्रसंग चला हुआ है वैराग का, कई मेरे आप जैसे बड़े हैरान होते हैं परेशान होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, वैराग तो लियाकत की बात है बच्चे, वैराग तो भगवान की विशेष कृपा है, वैराग का सिर्फ यही अर्थ है, बताओ बड़े बड़े डर जाते हो, मुझे भी डर लगता है कि कहीं ये बात यही कहते हमारे पास की बात, ऐसा मत कहना, वैराग का सीधा ये अर्थ है कि जो कुछ भी मेरे पास है शरीर समेत सब मेरे भगवान का, बस आपके लिए सिर्फ मानसिक वैराग है, हाँ मेरे लिए जरा बाह्य वैराग भी हो गया, आपके लिए मानसिक मेरे लिए भगवान का यह फरमान है, न वाबस्तगी रिश्ता हो बंद से, न घर से, न जन से, न फरजंद से, आहा मेरे लिए और आपके लिए का फरमान है, आपके लिए करे जिस कदर उस पे लाजम है काम मगर आसरा मुझ पे। मुंशी जी भी बड़े कमाल है, मुझे ये बात पढ़ाती है नवाबस्तगी रिश्ता और आपको ये बात पढ़ाती है क्या, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, वो रहमत में मेरी समा जाएगा सकूं बका मुझसे, वेरी वेरी गुड। आपके लिए फरमाने में बच्चे आप ग्रस्ती है कोई बात नहीं, लेकिन हम दोनों हर दो चाहे हम तारकुल दुनिया है और चाहे आप मन द्वारा इसे ले जा रहे, पर बात बात यही रखनी है, एक तेरा सहारा रे सामरे, एक तेरा सहारा रे सामरे, ओ मेरे प्राणनाथ मेरे ईश्वर एक आपका सहारा लेके चल पड़ेगी, हाय आहा कागजां दी बेड़ी मेरी तार रब दी ठिल्ली तेरे आसरे करी पार रब, अब तो तेरा सहारा मेरे प्रभु और तेरे सहारे में अपनी जीवन की नैया बस चला जा रहा हूं, खेवनहार आप है करणधार आप है भाई नैया, बस ये होता है वैराग, जब जी जहान में रहकर अपनी कोई वस्तु ना माने, ना मेरा शरीर और ना मेरे शरीर के अलगे पिछलगे, अगलगे पिछलगे मेरे नहीं है, अगलगे अगलगे बाप के रिश्तेदार, पिछलगे माँ के रिश्तेदार, अगलगे पिछलगे जो माँ के रिश्तेदार है पिछलगे हो गए और जो बाप के रिश्तेदार है वो अगलगे अगलगे पिछलगे, ये हमारे नहीं है, ये सब भगवान के है, ये सब हजूर अनवर के है, बस हम किसी को अपना ना माने, ये है चोटी का वैराग। प्राणी पदार्थों से मन उपराम हो, प्राणी पदार्थों की इस्तेमाल तो करना है, अब मैं नहीं क्या माइक का इस्तेमाल कर रहा, हर चीज का इस्तेमाल, स्टेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये काली कमली का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आपने जोड़ा सिला दिया इस गरीब बिचारे को इसका भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, गुड हाँ
लेकिन मैं अपना नहीं, ये स्टेज है सब कुछ है, हाँ मैं जिस तरह आया था उसी चला जाऊंगा। शाबाश, चाहे मेरी दलील के ऊपर है, सूट भी बेशक उतार लो, आह अंदर मेरे अपने कपड़े हैं जो आप उतार न सकेंगे, तो पुत्र क्या इस्तेमाल करो। लेकिन उनकी समझ करके स्टेज में इस्तेमाल कर रहा हूं, जब आया तो सजी सजाई स्टेज थी, कसम आपकी आपको हजूर की वाणी सुनाने के बाद सजी सजाई स्टेज छोड़ के तीन डंडे नीचे उतर जाऊंगा। कहले मेरे दाता आपने मुझे मौका दिया, आपने प्रेरणा दी, सुना दिया ये सब कुछ, ये है वैराग की सही निशानी। किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना ना समझा जाए, भगवान की इष्ट देव की अमानत समझा जाए। अरी मुन्नी ए नकफिन्नी, अमानत समझा जाए कि ये मेरे भगवान की अमानत है, ये मेरे श्याम जी की अमानत है, बस ये है वैराग। क्या तेरे लिए मुश्किल है? बाबा अगर ये मुश्किल है तो दुनिया में कुछ भी आसान ना होगा। शाबाश, ये क्या तेरे लिए मुश्किल है? वाह बाबा, इसको मुश्किल कहना चाहिए? अगर मक्खन खांदिया दंद टुटन तो टुटन दो सोरे, अगर क्या क्या बनिया की कमाई आटा दाल में खत्म होती तो हो दे, ये बात को मुश्किल, ये तो अनिवार्य तो रूप में हमें अपना लेनी है। सब कुछ मेरे भगवान का है, सब कुछ मेरे इष्टदेव जी का है, बस बेड़ा पार हुआ। ये है वैराग, चोटी का वैराग, किसी प्राणी पदार्थ को अपना ना मानना, किसी भी चीज को अपना ना मानना। भगवान ने अपनी दुनिया में रौनक बढ़ाई है, इंसानों को बुलाकर सब कोई भगवान का, सब कोई मेरे प्रभु का, सब कुछ बन चुका है, सब कुछ हो चुका। भगवान ने सारी दुनिया रची थी अपनी रौनक बढ़ाने के लिए, आपको बुला लिया है। ऐसा भाव बनाए कि सब दुनिया भगवान ने बनाई थी, हाँ सारे प्राणी पदार्थ बना लिए थे, 83 लाख दुनिया, 84 लाख में मनुष्य को बाद में बनाया, आखिर में आपने देखा मेरी रौनक में कमी है, कमी है तो बस आ गया इंसान, हलचल मटाल वाली इंसान, भगवान की शक्ल लेके आया, ये कर वो कर, ये बना वो बना, इधर बेवकूफी ये की कि अपनी समझ बैठा, हालांकि करनी कुर्बानी थी, अपने ओर से बलिदान करना था, बिल्कुल बलिदान। बलिदान करने के बाद जो थोड़ा सा हथेली पहरा जाता उसको भगवान कहते जीभ निकाल और चट ले, अमृत के लुक में जो यज्ञ से बचे उन्हें खाने वाले खुदा में, हाय मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मेरी देवी भगवती ओ कुर्बान, ओ मेरा एक रोंटा खड़ा हो गया, सौ रब जी हो, अमृत के लुक में जो यज्ञ से बचे उन्हें खाने वाले खुदा में बचे, तब हमारा बेड़ा पार हो गया होता, अगर कुर्बानी का जीवन गुजारते, मालिक ने भेजा था ना, मालिक ने भेजा था तो कुर्बानी का जीवन गुजारते, हमने कुर्बानी नहीं, सब कुछ अपना समय लग गए, मोर तोर ये माया यही बस कीनी जीव निकाया, इस निकाय निमाने जीव को वश में का अधीन कर लिया, वरना तो क्या था, महफल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, और जिंदगी बनी है यारो मर जाने के लिए, महफल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, कोई शक नहीं इस दुनिया में आ गया इंसान मेरे भगवान के लिए, और हर क्रिया की उसने अपने महाराज जी को संतुष्ट करने के लिए, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। ये था चोटी का वैराग, ये था चोटी का वैराग, इस चोटी के वैराग को बोलते थे गुरुदेव ज्ञान की आग, चोटी का वैराग इज इक्वल टू ज्ञान की आग, और इस ज्ञान की आग से क्या होता है, भगवान ने कहा है यू ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल, और जीव हजूर के दर्शनों का भागी बन जाता, डरना नहीं, इसे मेरी कसम वैराग को समझो, ये अमृत की धार है, लानत अगर हम कहें ये सांप की फुंकार, गीता का वैराग सांप की फुंकार नहीं बल्कि अमृत की धार है, जो मुर्दा में भी रूप फूंक देती है, मुर्दा में एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति ले आती है, मुर्दा भी एक विशेष प्रकार के स्फूर्ति महसूस करना बड़ा एक्टिव और स्मार्ट बना देती है। गीता का वैराग हाँ अमृत की धार है, सांप की फुंकार न थी न है न होगी, समझने वाले की समझ की फर्क था कि उसने इसको भ्रांति से कुछ का कुछ समझ लिया, वरना तो ये तो सब कुछ महाराज जी का है, सब कुछ महाराज जी, और महाराज जी ने फिर वचन भी ये दे रखा है, मगर वो जो पूजे बासिद को यकीन वो मुझमें है और मैं हूँ उनमें, वैराग का फिर देखो परिणाम क्या हुआ, वैराग का फल क्या मिला कि महाराज जी कहने के लिए मजबूर हो गए, जो रैम उनकी हालत पे खाता हूँ मैं तो घर उनके दिल में बनाता हूँ, विषय चलता रहेगा पर हम गहराई में उतरते रहेंगे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।